नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। सूबे की देवेंद्र फडणवीस सरकार को 27 नवंबर बहुमत परीक्षण का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा? इसकी वजह है शरद पवार के भतीजे अजित पवार, जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली। अजीत पवार के इस कदम से एक महिला बहुत खुश है और वो इसे शरद पवार के लिए सबक मान रही है। इस महिला का नाम है शालिनी पाटिल। शालिनी पाटिल ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे को तैसा मिला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की पत्नी शालिनी पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शरद पवार ने जिस तरह का बर्ताव वसंत राव के साथ किया था, उनके साथ वैसा बर्ताव होना ही चाहिए था जो अजित पवार ने बीजेपी के साथ जाकर किया है। शरद पवार ने 1978 में जो बोया वही काट रहे हैं, वो भी सत्ता हथियाने के लिए पीठ में खंजर मारने जैसा था। शरद पवार गुप्त रूप से बगावत करने की बजाय वो वसंत दादा पाटिल से सीधे तौर पर भी अपनी बात कह सकते थे। समय का पहिया घूमा है और 41 साल पहले शरद पवार ने जो किया था, अजित पवार का कदम उसका सबक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 41 साल पहले क्या हुआ था जिसका जिक्र शालिनी पाटिल कर रही हैं। दरअसल 1977 में आपातकाल हटने के बाद पूरे देश में कांग्रेस की दुर्दशा हो गई थी। पार्टी को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में वसंत दादा पाटिल उनकी जगह महाराष्ट्र के सीएम बने थे। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी भी टूट गई और कांग्रेस एस और कांग्रेस आई में बंट गई। शरद पवार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। साल 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस एस और कांग्रेस आई ने अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस एस के खाते में 69 और कांग्रेस आई के खाते में 65 सीटें आई। वही जनता पार्टी के खाते में 99 सीटें आई। त्रिशंकु विधानसभा में कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। नतीजतन ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस एस और कांग्रेस आई मिलकर वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस एस तो तोड़ दिया और 38 विधायकों को लेकर जनता पार्टी के साथ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर खुद 37 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। अब करीब 41 साल बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अजित के इस कदम को लेकर वसंत दादा पाटिल की पत्नी शालिनी पाटिल ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जो 41 साल पहले बोया था, आज वही काट रहे हैं।